हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता वर्मा। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शाही टुकड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शाही टुकड़ा बनाना। चाशनी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी चीनी, दो छोटी इलायची, आधा गिलास पानी, सात ब्रेड के स्लाइस लिए हैं हमने, एक कटोरी मावा, थोड़े से काजू बादाम लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं शाही टुकड़ा बनाना। पहले हम जो है ब्रेड के स्लाइस को काट लेंगे त्रिकोण में। हमें सारे ब्रेड के साइज़ को जो काट लिया है ये देखिए, मुझे है आधा गिलास पानी डाल दिया है। इसमें हम डालेंगे एक कटोरी चीनी, इलायची का पाउडर जो है हम पीस के डाल देंगे। और चाशनी को अच्छे से मिलाएंगे। करीब 10 मिनट तक हम चाशनी को पकाएंगे। हमने आधा गिलास पानी और डाल दिया है और हमने जो है चाशनी को अच्छे से पकाएंगे। चाशनी जो है बन गई है, देखिए ना, हमें चाशनी को ज़्यादा गाढ़ी बनाना है और ना ही ज़्यादा पतली बनाना है। चाशनी जो है बन के तैयार हो गई है, ये देखिए। ब्रेड स्लाइस तलने के लिए हमने दो कटोरी डिफाइन लिया है जिसे हम गर्म होने देंगे 5 मिनट के लिए। अब हमारा डिफाइन जो है गर्म हो गया है और डिफाइन गर्म होने के बाद हमने जो है इसमें ब्रेड का स्लाइस डाल दिया है। ब्रेड के स्लाइस को जो है हम हल्का गोल्डन फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है ब्रेड को, हल्का गोल्डन ही फ्राई करना है। और हमने जो है ब्रेड को
छन्नी में निकाल लिया है ताकि जो एक्स्ट्रा डिफाइंड है वो रिमूव हो जाए। ऐसे ही हमने दूसरे स्लाइस को भी फ्राई कर लिया है, उसको भी हम जो है अब छन्नी में निकाल लेंगे। ब्रेड के स्लाइस को जो है डिफाइंड में फ्राई करेंगे और हमें हल्का गोल्डन ब्रेड को जो है फ्राई करना है। देखिए ऐसा हल्का गोल्डन ब्रेड को फ्राई करना है। ऐसे हम सारे ब्रेड को जो है हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। हमने सारे जो है ब्रेड की स्लाइस जो है हमने गोल्डन फ्राई कर लिए हैं, ये देखिए। एक फ्राई पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे एक कटोरी मावा। एक चम्मच चीनी, ऐसे जो है मावे में मिला देंगे चीनी को, थोड़े से काजू बादाम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिनट के लिए जो है फ्राई कर लेंगे। दो चम्मच चीनी और ऐड कर देंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा रखिए और नहीं तो कम मीठा रख सकते हैं। हम चीनी को जो है मावे में अच्छे से मिक्स कर देंगे कि जो हमारी चीनी है वो मावे में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसे करीब 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है मावे को और इसे हम जो है दूध में डीप करेंगे। इसे अच्छे से दूध में डीप करना है। तो इसे जो है आप चाशनी में डीप कर देंगे। हमने जो है दूध में डिप कर दिया है, ये देखिए। अब इसे हम चाशनी में डिप करेंगे। चाशनी मतलब Thank you.
ऐसे सारे ब्रेड स्लाइसेस को जो है डिप करके रख लेंगे। जो है टोस्ट जो हमने चाशनी में डुबाए हैं और हम ऐसे प्लेटिंग कर ली है, इस पर हम लगाएंगे मावा। इसके आने के लिए जो हम इस पर काजू बादाम लगा देंगे। ऐसे हम सारों पे कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो है शाही टुकड़ा बनके जो है हमारा अब रेडी हो चुका है। ये देखिए। अगर आपको इस चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।